मेरे मोहतरम सामने आर्मी चीफ आसिम मुनवी साहब ने ऐलान किया है कि परसों 25 मई यौम तकरीम शहादा मनाया जाए। यौम तकरीम शहादा आर्मी चीफ ने कल ऐलान किया, उन्होंने आख्या पूरा पाकिस्तान एक दिन मनाए, उसकी जरूरत के मुताबिक उन्हें आख्या वो दिन मनाया जाएगा जिदे च शहादा नू सलाम किया जाएगा और शहादा के वारस जी मां ने तरगीब दी, जेड़े बाप ने ऐसा बेटा पेश किया पाक फौज वास्ते, उन्होंने इज्जत नाल बिठाया जाएगा, उन्होंने भी इज्जत की जाएगी। तकरीम मानते हैं इज्जत मुकर्रम मानते हैं जो इज्जतदार हो। इस वे आर्मी चीफ और बड़े अफसरान ने महसूस किया कि पाकिस्तान इसलाह की जरूरत है और जितनी इंतहा पसंदी हुई है और जिस कदर मतलब नुकसान हुआ अस्करी तनसीबात का, उन्होंने ख्याल ये कि सच बंद जिन आए थे अगर इज्जत होंगी ना शहादा की तो इंज नहीं फौज का ख्याल है। ये जरा तकरीम है इज्जत है शहीद की अजमत है, अगर लोगों को शहीद की अजमत का पता होता तो फिर यह सूरत हाल पैदा ना होती। यानी उन्होंने दहशतगर्द भी आख्या गया, इंतहा पसंद भी आख्या गया और शर पसंद भी आख्या गया। यह मतलब इस शर पसंदी के इलाज वास्ते जिथे वह परचे पुरचे पर देंगे ना वो नाल नाल एक होर भी काम कर, परचा देना केस चलना कोर्ट मार्शल का होना यह अलग गल है, लेकिन वो आते कि असं यौम मना रहे हैं परसों और बकायदा बंदियां दे ज़हन विच उलमा वड्डे लोग असातज़ा लैक्चरार टीचर यूनिवर्सिटियां दे प्रोफेसर प्रिंसीपल ये लोगों के ज़हन विच शऊर बेदार करन कि शहीद की अजमत की, लोगों के ज़हन विच पाओ कि शहीद कितनी बड़ी इज्जत का मालिक है। उसका नाम ना रखा यौम तकरीम शहादा, एक दिन मनाओ ताकि लोगों के ज़हन विच तकरीम आ जाए इज्जत आ जाए शहीद की इज्जत आ जाए। मेरे मोहतरम साहब नहीं चलो कम से कम अल्लाह न करे ऐसे वाकयात फिर हो, एक गल तशद्दुद पसंद शिद्दत पसंद शर पसंद के लफ्ज इस्तेमाल किए गए। इसका मतलब है मैं फिर कहने का मजाज हाँ कह सकना मैं कि जो पाकिस्तान के शहादा की इज्जत न करे जे वह शर पसंद है तो जरा इस्लाम के शहादा की मेहरबानी शुक्रिया। पाकिस्तान के शहादा ये भी इस्लाम के शहादा ने, लेकिन जिन्हें पाकिस्तान के हदूद की हिफाजत करके शहादत जान दी है वह बंदे होर ने, तो जिन्हें हदूद इस्लाम की हिफाजत की वो लोग होर ने। मेरे मोहतरम सामईन मैं चाहना कि चलो आगाज हो गया परसों दिन मनाया जा रहा, मैं अज ही शुरू कर दिता जे दसन की जरूरत है, असं तो शुक्र पे करने जे बंद दसें शहीद की इज्जत आ गई तो सैयद शहादा की भी इज्जत आ गई, शहीद की इज्जत बंद दसन आ गई तो सैयद शहादा की भी इज्जत आ जाएगी, जो सारे जहान के शहीदों का सरदार है। अगली गल बड़ी अच्छी मैं लगी है जो उन्हें आख्या है कि जिन्हें घर चो शहीद निकले ने जिन्हें तरगीब दी है जिन्हें बेटे भेजे ने भतीजे भेजे ने भांजे भेजे ने भैन ने भरा भेजे ने असं उन्होंने भी सलाम करना है। इसका मतलब है शहीद भी बायस तकरीम है और खानदान भी बायस तकरीम है। मैं शहीद की अजमत चाहना कि ना पूछिए अदारों को ना पूछिए कुरान को पूछिए, मैं तो मजलिस पढ़ना आया ना जी, मैं तो उस मौजू बयान करने वास्ते दो चार जुमले इस्तेमाल किए ने। कुरान ने बड़ी देर पहला शहीद की अजमत को बयान किया, जिहड़ी तकरीम अल्लाह ने शहीद को कुरान में दी है वह मैं जनाब के सामने पढ़ने का शर्फ हासिल कर। खाल के कायनात में बड़ी मशहूर आयत है सूरह मुबारक बकरा की, अल्लाह फरमाते हैं वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवात, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल हो जाते हैं ना पहली उनकी इज्जत यह है कि उनको मुर्दा न कहें। बहुत शुक्रिया। मैं तकरीम पढ़ लगा शहादा की तकरीम मैं आगाज कर दिता है, दिन परसों मनाया जाना मैं आज ही शुरू हो गया। इसका मतलब पहली इज्जत खाल के कायनात ने यह दी कि जरा अल्लाह की राह में कतल हो जाए। अच्छा ये वास्ते फिर जरूरी है कि वह सबील इला च कतल हो गए अल्लाह की राह च कतल हो गए, कतल बंदे होंदे रहिंदे ने होंदे रहिंदे ने। इत्थे पाकिस्तान च एक मसला है, इत्थे जिहड़े फौज नाल लड़दे ने वह भी शहीद ही होंदे ने,
क्या बात है, छह सूरते पढ़नी है। इतने बड़ा मुश्किल मरहला है। पहला तो किबला तकरीम पढ़नी है शहीद की, इज्जत पढ़नी है शहीद की। पहला पाकिस्तान से एक मसला है कि कन्फर्म करना पैना भी शहीद भी है या नहीं, तो इज्जत होनी थी शहीद की। इतने जो फौज से हमला करते हैं वह भी शहीद, तो फौज भी शहीद है। और जो मेरे नजदीक शहीद वो ही होंगे ने जिन्हों को निशाने हैदर हो, जरा इन्होंने लड़ता है अभी उन्होंने शहीद तस्लीम नहीं करते।